guys i hope you all are doing great my name is manika and welcome back to my youtube channel legaltopia so guys today we would be discussing the difference between lok sabha rajya sabha vidhan sabha and vidhan parishad देखो हम सबको इन सब के बारे में पता होता है बट जब भी हम इनके बारे में बात करते हैं ना अ कंपेरेटिव वे हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं इन अ डायलिमा की कौन सा मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेंथ इनकी क्या थी या फिर इनके मेंबर्स को क्या कहते हैं इनको इलेक्ट कौन करता है ओथ कौन दिलाता है प्रिसाइड कौन करता है एंड वी एंड अप मेसिंग अप इन द एग्जाम सो टू सेव यू फ्रॉम दैट काइंड ऑफ मेसिंग अप

लोकसभा अदर नेम इज़ हाउस ऑफ पीपल वेयर एज राज्यसभा का अदर नेम क्या है काउंसिल ऑफ स्टेट लोकसभा को एक बहुत पॉपुलर नाम और दिया जाता है लोअर हाउस जो हम सब ने सुना ही होगा एंड राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं वहीं पे अगर हम विधानसभा की बात करें तो उसमें विधानसभा को हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं सभा लोगों की होती है सभा को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा असेंबली वरास विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल और ये होता है हमारा अपर हाउस ऑफ द स्टेट स्टेट का अपर हाउस है ये तो हमारा नॉर्मल अपर हाउस था राज्यसभा वेराया स्टेट के अपर हाउस को विधान परिषद बोलते हैं वहीं पे स्टेट के लोअर हाउस को विधानसभा बोलते हैं ओके okay, स्टेट का लोअर हाउस ओके सो मूविंग अहेड नेम ऑफ मेंबर्स नेम ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट सिमिलरली नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट उसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा की इनके मेंबर्स को हम बोलते हैं एमएलए ये बहुत बार सुना होगा ना एमएलए का लड़का है तो दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्टिव असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का दूसरा नाम होता है तो उसके मेंबर फॉर द विधान परिषद के मेंबर्स को हम बोलते हैं एम एल सी इसको बहुत लोग एम एल ए से कन्फ्यूज कर देते हैं तो डोंट कन्फ्यूज इट इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्टिव काउंसिल क्योंकि विधान परिषद को हम लेजिस्टिव काउंसिल बोलते हैं ओके okay? मूविंग अहेड मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेंथ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं फर्स्ट टॉकिंग अबाउट लोकसभा लोकसभा की मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ रहती है वो हमारी होती है 552 इसको याद रखना 552 550 प्लस टू ठीक है 550 पहले 552 का मैं आपको लॉजिक समझा देती हूँ 552 जो है स्टेट का रहता है फाइव थर्टी uh, यूनियन टेरिटरीज का रहता है ट्वेंटी एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स अर्लियर अर्ली वू ओके नॉमिनेटेड मेंबर्स का जो प्रोविजन था पहले था कि टू मेंबर्स हमारे एंग्लो इंडियंस रहेंगे एज बाद में इसको क्वेश कर दिया गया कि अब ये टू मेंबर्स वाला कोई प्रोविजन नहीं है ओके okay? इसको बहुत अच्छे से याद रखना सो so अब ये हो गए हमारे फाइव तो बताओ ये टू मेंबर्स का क्या सीन है बेसिकली हम लोगों ने टू मेंबर्स वाला प्रोविजन तो क्वैश कर दिया पर स्टिल हमारे जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो हम उसको 552 मानते हैं एंड हमने अभी इसको कोई चेंजेस नहीं किए हैं तो कभी भी पेपर में आता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा क्या है यू वुड बी राइटिंग 552 ओके okay? नॉट 550 फिफ्टी मूविंग अहेड टू राज्यसभा राज्यसभा में स्टेट का रहेगा टू थर्टी यूनियन टेरिटरीज का एट एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स वुड बी ट्वेल्व समिंग अप टू टू फिफ्टी ओके okay. इसका 552 इसका 250 फिफ्टी देन विधानसभा विधानसभा की मैक्सिमम लिमिट होती है 500 एंड मिनिमम 60 मिनिमम इज 60 राइट फर्दर टॉकिंग अबाउट विधान परिषद मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है नॉट मोर देन वन थर्ड ऑफ विधानसभा इसकी स्ट्रेंथ वन थर्ड ऑफ विधानसभा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और मिनिमम है इसका फोर्टी ठीक है मूविंग अहेड प्रेजेंट स्ट्रेंथ प्रेजेंट स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ लोकसभा की क्या है 543 इसमें रिमूव्ड है नॉमिनेटेड मेंबर्स फर्दर राज्यसभा की हम बात करें तो इट इट इज 245 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी 233 एंड नॉमिनेटेड 12 ओके okay. विधानसभा की हम बात करें तो इट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड विधान परिषद में सिमिलरली स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा मिनिमम एज की बात करते हैं मिनिमम एज लोकसभा की कितनी है ट्वेंटी फाइव हम सबको पता है राज्यसभा की वहीं पे थर्टी मानी जाती है एंड दैट इन स्टेट एज पर राज्यसभा कहीं ना कहीं सिमिलर होता है विधान परिषद से और लोकसभा कहीं ना कहीं सिमिलर होता है विधानसभा से ठीक है आई होप यू वुड बी एबल टू लर्न इट एंड फर्दर टॉकिंग अबाउट देवर टर्म तो टर्म इनकी फाइव ईयर्स रहेगी लोकसभा में सिक्स ईयर्स राज्यसभा फाइव ईयर्स विधानसभा एंड सिक्स ईयर्स विधान परिषद एज एट विधान परिषद कहीं ना कहीं एट पार चलता है राज्यसभा से और विधानसभा कहीं ना कहीं एट पार चलता है लोकसभा से ओके okay? सो so, इन दोनों का रेफरेंस ध्यान में रखना मूविंग अहेड हेड प्रिसाइडेड बाय लोकसभा का जो हेड होता है या फिर लोकसभा को जो प्रिसाइड करता है उसका सारा कामधाम देखता है वो कौन होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा वहराज राज्यसभा को प्रिसाइड कौन करता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं इसमें एक चीज़ याद करने की आपको जरूरत है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का मेंबर भी होता है वहराज राज्यसभा का जो स्पीकर होता है मतलब वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा ओके फॉर द विधानसभा का जो हेड मतलब प्रिसाइड जो करता है वो स्पीकर होता है विधान परिषद का जो है प्रिसाइड करता है वो हमारा चेयरमैन होता है मूविंग टू द इलेक्शंस इलेक्शन इन द लोकसभा इलेक्शन लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं बाय द पीपल ऑफ द नेशन बहराज राज्यसभा के जो मेम्बर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं एंड आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस असेंबली मतलब लेजिस्टिव असेंबली लेजिस्टिव असेंबली दूसरा नाम किसका होता है विधानसभा का एंड विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं किस राज्यसभा के मेम्बर्स को एंड प्लस इसके अंदर क्या ट्वेल्व नॉमिनेटेड मेंबर्स भी तो थे ना वो कौन इलेक्ट करेगा नॉमिनेट करेगा वो हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा मूविंग अ हेड टू द इलेक्शन ऑफ विधानसभा विधानसभा में क्या होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय पीपल वेयर एज विधान परिषद में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं बाय स्पेशल क्राइटेरिया अभी मैं स्पेशल क्राइटेरिया को आगे आपको बताती हूँ कि स्पेशल क्राइटेरिया क्या रहता है एंड ऑल्सो इसके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो कि कौन नॉमिनेट करता है अफकोर्स हमारा गवर्नर हम आगे बात करते हैं ओथ की ओके ओथ लोकसभा में कौन दिलाता है या तो प्रेसिडेंट दिलाएगा या दिलाएगा प्रोटम स्पीकर ओके राज्यसभा में वोट कौन दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट जिसको हम चेयरमैन भी बोलते हैं अब हम आते हैं विधानसभा में विधानसभा में ओत कौन दिला रहा है स्पीकर दिला रहा है एंड विधान परिषद में चेयरमैन द मूविंग टू रेजिग्नेशन मतलब आप अपना इस्तीफा किसको दोगे रेजिग्नेशन वुड बी गिवन टू स्पीकर वुड बी गिवन इन राज्यसभा टू चेयरमैन फॉर्दर इन विधानसभा स्पीकर को देंगे एंड विधान परिषद में चेयरमैन को देंगे सो ये चीज ध्यान रखना देखो इसमें दोनों में चेयरमैन चेयरमैन एंड इसमें दोनों में स्पीकर स्पीकर मैंने बताया ना लोकसभा विधानसभा एट पार एंड राज्यसभा विधान परिषद एट पार ओके मूविंग अहेड टू डेजोल्यूशन डेजोल्यूशन कैसे होगा लोकसभा का डिजोल्यूशन हो सकता है कैन बी डिजोल्व बाय द प्रेजिडेंट वेराज राज्यसभा का रेजोल्यूशन नहीं हो सकता यह है परमानेंट हाउस मूविंग अ हैड टू विधानसभा विधानसभा कैन बी डिजोल्व बाय द गवर्नर गवर्नर उसको डिजोल्व कर सकता है विधान परिषद डिजोल्व नहीं हो सकती इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना विधान परिषद डिजोल्व नहीं होती है पर अबॉलिश होती है ठीक है इस चीज़ को याद रखना अबोलिश और डिजोल्व में डिफरेंस समझ रहे हो तो डिजोल्व करेंगे तो उसको दोबारा से हम लोगों को इनपावर लाना पड़ेगा कुछ टाइम बाद ठीक है जिस जैसे हम इन केस करते हैं लोकसभा में वहराज विधान परिषद के केस में हम उसको डिजोल्व नहीं कर सकते मतलब सरकार अगर चल रही है उसको हम गिरा नहीं सकते पर हम उस पूरे के पूरे हाउस को डिसमेंटल कर सकते हैं मतलब अबोलिश कर सकते हैं कौन से आर्टिकल से आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से तो इस चीज़ को याद रखना एंड सारे स्टेट्स में विधान परिषद होता भी नहीं है सो टॉकिंग अबाउट विधान परिषद ना तो देर आर सर्टन फैक्ट्स विच यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड विच आर वेरी क्रूशल क्यों क्योंकि विधान परिषद थोड़ा डिफरेंटली एक्ट करता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स जैसे कि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि विधान परिषद जो होता है हमारा उसके अंदर खाली सिक्स आउट ऑफ ट्वेंटी एट स्टेट्स के पास विधान परिषद है बाकी सबका अबॉलिश है या फिर उन्होंने कभी इस्टेब्लिश ही नहीं किया एंड वो सिक्स स्टेट्स कौन से हैं तेलंगाना उत्तर प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र बिहार एंड आंध्र प्रदेश इसको आप कैसे याद रख सकते हो टुक एम बी ए टुक एम बी ए से तुक एम बी ए याद करना टी यू के एम बी ए तेलंगाना उत्तर उत्तर प्रदेश कर्नाटका महाराष्ट्र बिहार एंड आंध्र प्रदेश ठीक है तो ये याद रखना सिक्स आउट ऑफ ट्वेंटी एट स्टेज पहले ज्यादा स्टेज में था बट नाउ इट्स ओनली इन सिक्स स्टेज बाकी सब में विधान परिषद है ही नहीं ओके एंड ऑल्सो इनकी इलेक्शन की बात करते हैं अगर हम इसको क्या बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद का दूसरा नाम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है ना एंड इसमें इनडायरेक्टली इलेक्शन होते तो हैं बट इन अ स्पेशल वे स्पेशल वे है क्या देख लो वन थर्ड आर इलेक्टेड बाय मेंबर लोकल बॉडीज इन द स्टेट लाइक म्यूनसिपैलिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स तो वन थर्ड मेंबर्स लोकल बॉडीज इलेक्ट करती हैं वेर एज वन आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ द थ्री ईयर स्टैंडिंग जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं रिसाइडिंग

टिव मोमेंट एंड सोशल सर्विस की कोशिश करना कि फाइव बाई जो होते हैं हमारे टोटल वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वेर एज वन बाई सिक्स जो होते हैं हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ओके आई होप यू गॉट इट सो इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना फर्दर आर्टिकल वन की हमने अभी बात की ही थी आर्टिकल वन सिक्सटी नाइन इज नीटेड फॉर द क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ विधान परिषद विधान परिषद के क्रिएशन एंड अबोलिशन के लिए हम लोगों को चाहिए आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन जो हमारी विधान परिषद है इट कैन बी अबोलिश इफ़ द लेजिस्टर ऑफ द स्टेट पास रेजोल्यूशन विद स्पेशल मेजोरिटी अगर जो लेजिटर ऑफ द स्टेट है मतलब जो हमारी विधानसभा है वो अगर स्पेशल मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास कर देन इट कैन बी अबोलिश अंडर आर्टिकल वन ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन हैबॉलिश हो सकता है बट डिज़ोल्व नहीं हो सकता सो वेन सो एवर द क्वेश्चन मैंशंस की द विधान परिषद कैन बी अबॉलिश सो येस इट कैन बी अबोलिश्ड बट इट कैन नॉट बी डिजोल्व ओके सो हेयर वी आर डन विद दिस वीडियो आई होप इट वॉज हेल्पफुल टू यू एंड आई हैव ट्राइड एज फार एज पॉसिबल टू मेक यू कॉम्प्रीहेंड दीज पॉइंट्स एंड गाइज if my content is helping you in any way possible please 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 don't forget to like share subscribe and do press the bell icon so that whenever i come up with new video you would be the first one to get the notification for that and also if you want the pdf of this video or any of my other videos then do follow up me on my telegram channel i would be providing link to the same in the description and for now bye bye see you and all the best for your exams